नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अयोध्या राम मंदिर पर नवंबर में आ रहे फैसले पर कहा कि जन्मभूमि के टुकड़े नहीं होने चाहिए और आराध्य राम मंदिर का बनना जरूरी है। परमहंसी गंगा आश्रम में नवरात्र के अवसर पर पधारे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि हम लोगों ने अपनी ओर से जो कहना था अच्छे से कह दिया। हमारे एडवोकेट ने बहस की है। हमारा कहना है कि राम जन्मभूमि के टुकड़े नहीं होने चाहिए और वहां पर आराध्य राम का मंदिर बनना चाहिए। ईश्वर के रूप में मंदिर बनना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। अगर आता है तो हम लोगों ने अपनी ओर से जो भी कहना चाहिए था राम मंदिर के संबंध में वो अदालत में अच्छी तरह से कह दिया है। हमारी एक संस्था है राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, उसी ओर से हमारे एडवोकेट ने बहस की है और अभी भी बहस करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों का कथन ये है कि जन्मभूमि के टुकड़े नहीं होना चाहिए और वहाँ पर आराध्य राम का मंदिर बनना चाहिए। किसी मनुष्य के रूप में उनका मंदिर न बनाकर ईश्वर के रूप में उनका मंदिर बनना चाहिए और वहाँ पर उनकी विधि विधान से पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सिद्ध स्थान है। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।